तो दोस्तों, इन दिनों आप लोगों ने इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब या फिर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों ने एवेटर गेम का नाम तो सुना ही होगा। तो दोस्तों, इसको लेकर के काफी सारे सवाल मेरे पास में आते रहते हैं, लाइक इंस्टाग्राम मैसेज के अंदर हो या फिर यूट्यूब की कोई भी वीडियो हो उसके कमेंट सेक्शन के अंदर हो। तो फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी जनों को बताने वाला हूँ, और काफी सारे लोगों ने सर्च भी किया है कि फाइनली जो एविएटर यहाँ पर जो गेम है, एविएटर जो ऐप है, वो वास्तव में रियल है या फिर नहीं है। क्या हम सभी जनों को पागल बना करके पैसा हड़पने वाली स्कीम है या फिर ये पैसा कमाने वाली यहाँ पर जो स्कीम है। आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी जनों के सामने सारी की सारी चीज जो चीजें हैं वो सब कुछ यहाँ पर जो एक्सप्लेन कर दूंगा, और आप सभी जनों को सारी की सारी चीजें यहाँ पर बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, कोई भी चैनल के ऊपर पहली बार है तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। तो सबसे पहले मैं आप सभी जनों को बता देता हूँ, एवेटर गेम अभी काफी सारे लोग खेल रहे हैं। इस गेम के अंदर क्या होता है, एक हेलीकॉप्टर होता है, वो हेलीकॉप्टर थोड़ा सा फ्लाई करेगा, थोड़ी हाइट के ऊपर जाएगा, और वहां पर जो आप लोगों 1x 2x 3x यानी कि आपका जो पैसा है दुगुना चार गुना करने की यहाँ पर जो स्कीम बताई जाती है। जितना यहाँ पर हाइट के ऊपर जाएगा उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर पैसे मिलेंगे। माना कि आप लोगों ने यहाँ पर जो 1000 रुपए उस गेम के अंदर लगाए और हेलीकॉप्टर को आप लोगों ने उड़ाया, जब हेलीकॉप्टर यहाँ पर 10x पर चला गया तो 1000 के आप लोगों को 10x रुपए यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से पैसे कमाने का यहाँ पर एक शॉर्टकट है, और इसी लालच को इसके एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए काफी सारे लोग जो इसको यहाँ पर डाउनलोड करते हैं और खेलना यहाँ पर जो शुरू कर देते हैं। अब मैं आप सभी जनों को बताने वाला हूँ, देखो एक्चुअल में होता क्या है, रियल या फिर जो फेक, ये तो आप लोगों को वीडियो के एंड के अंदर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। लेकिन मैं आप सभी जनों को बता देता हूँ, शुरुआत के अंदर क्या करते हैं काफी सारे लोग, 500 1000 रुपए उस गेम के अंदर लगाते हैं, अपना एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं और 500 1000 रुपए लगाते हैं। तो 500 रुपए से माना कि बंदे ने 5000 रुपए कमा लिए, तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, ओवर एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो कहता है उन 5000 रुपए को फिर से गेम के अंदर यहाँ पर लगाता है, 5000 से माना कि उसने 25000 50000 रुपए कमा लिए, 1 लाख रुपए कमा लिए अगर उसने अपनी किस्मत से। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, 1 लाख रुपए फिर से लगाने की कोशिश करेगा, और फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं कुछ बड़ी रकम यहाँ पर लगूं और एक बार में कुछ अच्छा अमाउंट जीतूं। तो वो क्या करेगा, ऐसे में या तो अपने किसी फ्रेंड या फिर फैमिली किसी नॉन पर्सन से कुछ पैसे यहाँ पर उधार मांग लेगा, और 2-3 लाख रुपए क्या करेगा, गेम के अंदर लगेगा। और जैसे ही उस आईडी से 2-3 लाख रुपए लगेंगे, और गेम वाले क्या करते हैं, पूरी फील्डिंग को सेट करके रखते हैं। मैं यहाँ पर किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये मैं डिस्क्लेमर यहाँ पर दे देता हूँ। मैं इस तरीके के जो गेम है उनकी क्या स्क्रिप्ट होती है वो आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। जैसे आप लोग अपनी जो अकाउंट है उस अकाउंट के अंदर से यहाँ पर माने कि आप लोगों ने 3 लाख रुपए अपनी जेब से यहाँ पर लगा, तो 3 लाख रुपए लगाए, आप लोग सोचो कि कम से कम मेरे 10 लाख रुपए यहाँ पर बन जाएंगे। तो उसी समय क्या करेंगे, वो 3 लाख रुपए बिल्कुल आपको हरा करके जीरो के ऊपर कर देंगे। अब क्या करोगे, आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि यार ये 3 लाख रुपए तो बाहर मार्केट के अंदर से लेकर के आया हूँ, और अब यहाँ पर मैं हार जाऊंगा तो लोगों को पैसे वापस कैसे लौटूंगा। तो यहाँ पर आप लोग जबरदस्ती यहाँ पर जो स्कीम नंबर 2 लगाओगे, स्कीम नंबर 2 यानी कि आप लोग किसी से 5-6 लाख रुपए और उधार मांगोगे, सोचोगे ये पैसे लगा करके मैं फिर से जीतूंगा, पिछले 3 लाख जो मैंने उधार लिए वो भी चुका दूंगा, और ये पैसे जहां से उधार लाया वो भी चुका दूंगा, और कुछ प्रॉफिट अपने लिए यहाँ पर रख दूंगा। तो ऐसा करके आप 5-6 लाख रुपए मार्केट से और उधार लेकर के आओगे या फिर अपनी जेब के अंदर होंगे तो वहां से और लगाओगे, और फिर क्या करते हैं वो धमाधम आप लोगों एक के बाद में एक यहाँ पर जो है बड़े बड़े अमाउंट वाली जो प्राइस होती है वो हराना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। गेम जो है टोटल यहां पर कहते हैं ऑनलाइन, लेकिन जो गेम की कोडिंग वगैरह भी किसी तरीके से की जाती होगी, चाहे वो ऑनलाइन गेम है लेकिन वो पूरा का पूरा यहाँ पर जो सेटअप किया हुआ गेम ही यहाँ पर होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, बनाया गया तो इंसानों के द्वारा ही है। तो ये चीज लोग नहीं समझते हैं, इन चीजों के बारे में रिसर्च नहीं करते हैं, यहाँ पे जो पूरी गाइडलाइन होती है उसको नहीं पढ़ते। हम क्या करते हैं, पूरी गाइडलाइन नहीं पढ़ी, कैसे क्या होगा सीधे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है वो भी नहीं पूरी पढ़ते हम, टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री के सीधा ऑप्शन पर क्लिक करके गेम यहाँ पर खेलना शुरू कर देते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान से पढ़नी चाहिए, गेम के बारे में पूरा रिसर्च करना चाहिए, फिर गेम के अंदर यहाँ पर उतरना चाहिए। और कुछ इस तरीके से बड़े बड़े अमाउंट आप लोग लगाओगे तो उस अकाउंट को अंदर पता चल जाता है कि अब ये अकाउंट वाला जो है बड़े बड़े अमाउंट लगाना शुरू कर दिया है, तो सारे के सारे पैसे आप लोगों को हरवाना यहाँ पर शुरू कर देंगे, और ये पैसा पूरा कंपनी के पास में जाता है। कंपनी फर्जी अकाउंट वगैरह रखती है बैंक के, उनके अंदर जाता है, दिन के उसके पास में करोड़ों रुपए यहाँ पर जो गेम के पास में यहाँ पर आते हैं, इतने सारे लोग यहाँ पर पैसे लगाते हैं। और जैसे जैसे आप पैसे हारते जाओगे आपको यहाँ पर जो दर्द होता जाएगा कि भाई मैंने अपना पैसा गवा दिया, तो आप लोग उतना बड़ा बड़ा अमाउंट और लगाते जाओगे, कभी भी आप हार नहीं मानोगे, गेम से कभी दूर नहीं होगे। तो ऐसे में यही करते हैं, जैसे नई आईडी आएगी उसके अंदर कोई भी शुरुआत के अंदर बड़ा अमाउंट नहीं लगाता है, लगा भी देगा तो उसको पहली बार में यहाँ पर हरवा देंगे, तो उसको लगेगा नहीं यार मेरा पैसा वापस में रिकवर करके जाऊँ, तो ऐसे में कुछ अमाउंट वापस
पोस्ट लगाएगा छोटे अमाउंट के ऊपर, ये अपने आप यहाँ पर जो आप लोगों को कुछ अमाउंट जीता करके यहाँ पर बताएंगे, ताकि उससे आप लोगों को गेम के अंदर विश्वास बढ़े और आप लोग जो है बड़ा अमाउंट गेम के अंदर यहाँ पर लगा जो। तो गेम के अंदर पूरी तरीके से फील्डिंग सेट कर रखी है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, मैं किसी ऐप को यहाँ पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है इन गेम्स की वो स्क्रिप्ट में पूरी आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये मूर्ख बना देते हैं और काफी सारे लोग मूर्ख बन भी रहे हैं और इनके बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से इनको लाखों करोड़ों रुपए देते हैं, क्योंकि ये कुछ लाखों अरबों रुपए दिन के कमा रहे हैं। इनके जो बैंक अकाउंट होते हैं, एक नहीं दो नहीं हजारों बैंक अकाउंट होते हैं, उनके अंदर दिन के अरबों रुपए के ट्रांजेक्शन यहाँ पर होते रहते हैं। तो इसके अंदर जीतने के चांसेस तो बिल्कुल 1% है, लेकिन हारने के परसेंट यहाँ पर जो बिल्कुल 99% है। अब आप लोग अपनी जोखिम के ऊपर खेल रहे हो, काफी सारे लोगों की किस्मत अच्छी रहती है, वो कंपनी को बनाना चाहते हैं तो बना लेते हैं, हजार लाखों के अंदर से कोई एक बंदा होगा जो शुरुआत के अंदर अमाउंट लगाएगा, उस कंपनी लालच देती है जीतवा करके, और वैसे बंदे आपस दौड़ते ही नहीं है। तो इस तरह के काफी कम केस यहाँ पर होते हैं, लेकिन 99% ऐसे ही केस होते हैं जिनके अंदर लोग जो है बिल्कुल अपना जो भी पैसा होता है मेहनत का वो भी जो है खो देते हैं। बाकी सारी चीजें आप लोगों पर डिपेंड करती है। मैंने एवेटर गेम के बारे में जितना रिसर्च करा, जितना मुझे पता चला, या फिर जितने मेरे आसपास के लोगों से मुझे पता चला उतना पैसा गवाया है, तो वो चीजें मेरे को पता चली, उतना ज्ञान मैंने आप लोगों को दे दिया है। बाकी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग मुझे जरूर बताना कि भाई इस गेम के बारे में आप लोग क्या सोचते हो, आप लोगों के आसपास में जो भी लोग हैं उन्होंने गेम के अंदर पैसा लगाया तो पैसा उनका क्या हाल है, कुछ भी चीज आप लोग मुझे कमेंट के अंदर यहाँ पर शेयर कर सकते हो। बाकी आप लोगों को पता चल चुका है भाई रियल है या फिर नहीं है, क्या है क्या नहीं, वो सारी चीज वीडियो के अंदर क्लियर हो चुकी है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी आप लोगों को ऐसे कुछ जानना है किसी भी टॉपिक के ऊपर तो मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों।